हाल ही में प्रोपेगेंडा ऑफ दलाल मीडिया पोर्टल द प्रिंट ने एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें ज्ञान दिया गया था कि मोदी को हराने के लिए विपक्ष कैसे फर्जी और भ्रामक खबरों के जरिए अपना प्रोपेगेंडा फैलाए। द प्रिंट के द्वारा दिए गए भ्रामक खबरें चलाने की तरकीब को कांग्रेस, दलाल पत्रकार और फर्जी बुद्धिजीवियों ने ऐसे लपका जैसे मामा शकुनी की सलाह को दुर्योधन फौरन लपक लेता था। वैसे द प्रिंट की सलाह से पहले भी ये लोग फर्जी खबरों के जरिए सरकार को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा चला रहे थे, लेकिन शेखर गुप्ता के द प्रिंट की सलाह के बाद विरोधी पार्टियां, दलाल पत्रकार, वामपंथियों के गिरोहों ने युद्ध स्तर पर देश में फर्जी खबरों से जमकर आतंक मचाया है। एजेंडा पत्रकार राणा अयूब ने पुलिस को बदनाम करने के लिए अपने ट्विटर पर जुलाई 2019 की एक तस्वीर शेयर की जिसमें बताया गया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस मजदूरों को ऐसे सजा दे रही है। फर्जी खबरें और वामपंथी एजेंडा चलाने में मशहूर दलाल पत्रकार विनोद दुआ ने बांग्लादेश के रोहिंग्याओं की तस्वीर शेयर कर उन्हें प्रवासी मजदूर बताया। तो वहीं पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भी वामपंथियों के एक फर्जी प्रोपेगेंडा में अपना योगदान दिया। पुण्य प्रसून ने पाकिस्तानी बच्चों के फटे हुए पैर की तस्वीर शेयर कर उन्हें भारत का बताया। भारत विरोधी कांग्रेसी चमचे सलमान निजामी ने भी प्रवासी मजदूरों के लिए अपनी फर्जी संवेदना दिखाते हुए अपने ट्विटर प्रोफाइल की इमेज बदल दी। निजामी ने भी जिस तस्वीर का इस्तेमाल किया वो 2017 की बांग्लादेशी रोहिंग्या की तस्वीर निकली। दूसरा कांग्रेस का वरिष्ठ चमचा रणदीप सुरजेवाला भारत सरकार के विरोध में इतना अंधा हो गया कि अपनी ही पार्टी कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ की पोल खोल दी। सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए एक प्रवासी मजदूर की तस्वीर शेयर की जो बाद में छत्तीसगढ़ की ही निकली। सुरजेवाला यही नहीं रुका, कुछ दिनों बाद सुरजेवाला ने एक लड़की की तस्वीर शेयर की जिसमें उसने बच्चे को पीठ पर बांधा हुआ था और साइकिल चला रही थी। सुरजेवाला ने बताया ये भारत के प्रवासी मजदूरों की तस्वीर है लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। यह तस्वीर नेपाल की है जो 2015 में ली गई थी। भारतीय प्रवासी मजदूर की तस्वीर बताते हुए दलित कांग्रेस ने 2017 की रोहिंग्या की एक तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की। हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के बाकी नेताओं ने भी फर्जी खबरों का अंबार लगाना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने 2017 की एक मासूम रोहिंग्या लड़की की तस्वीर अपनी प्रोफाइल में लगाई और उसे भारत के संदर्भ में दिखाने की कोशिश की। कांग्रेस के झूठी खबरों का यह नाटक यहीं बंद नहीं हुआ। कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से 2019 का एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें एक भूखा लाचार व्यक्ति रेलवे ट्रैक से चावल उठाकर खा रहा था। ये वीडियो 2019 का था जिसे कांग्रेस ने प्रवासी मजदूर की वीडियो बताकर शेयर किया था। दलाल मीडिया एनडीटीवी के पत्रकार उमाशंकर सिंह तो कांग्रेस की चाटुकारिता में एक कदम आगे निकल गए। उमाशंकर ने अपने ट्विटर हैंडल से एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, बढ़िया खबर, यूपी सरकार ने कांग्रेस की तरफ से भेजी गई बसों को चलाने की इजाजत दे दी है। लेकिन एनडीटीवी के पत्रकार उमाशंकर सिंह ने जो पोस्ट किया था वो फोटो प्रयागराज में पिछले वर्ष लगे कुंभ मेले में फरवरी 28 2019 का निकला जहां विश्व की सबसे लंबी बस परेड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री शबाना आजमी ने भी बड़ी चालाकी से इस प्रोपेगेंडा को फैलाने में हाथ बटाया। शबाना आजमी ने पाकिस्तानी बच्चों की एक मार्मिक तस्वीर शेयर कर लिखा, हृदय विदारक, ये स्पष्ट तौर पर भारत के संदर्भ में दिखाने का एक चालाकी भरा हथकंडा था। कोरोना की इस जंग में सरकार से लेकर देशवासी तक जी जान से जुटे हुए हैं। सरकार अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि देशवासियों को सुरक्षित रख सके और अपने घर परिवार से दूर प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक सही सलामत पहुंचा सके। लेकिन देशवासियों को भ्रमित करने और अपना सरकार विरोधी एजेंडा चलाने के लिए ये दलाल पत्रकार, वामपंथी और विरोधी पूरी निष्ठा से जुटे हुए हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अपना एजेंडा चलाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, चाहे वो फर्जी खबरों के जरिए झूठा प्रोपेगेंडा हो या फिर अलग अलग हथकंडे अपनाकर लोगों को भ्रमित करना। प्रवासी मजदूरों और गरीबों के इन स्वघोषित मसीहाओं का बस चले तो अपने एजेंडा के लिए ये मजदूरों के आंसुओं की भी दलाली करते हैं।